बड़ा भाग बाल अवस्था बुढ़ापा रोग दुखों से चला जाता है। हम शेष आयु की निश्चय ही बीत जाती है। मोक्ष आदि का प्रारंभ करने से उद्योग रहित रहने वाला, योग्य कार्यों में सोने वाला अर्थात भगवान का चिंतन नहीं करने वाला और भय का स्थान जो संसार में है उसमें विश्वास करने वाला जानता है कि कौन मनुष्य नहीं जानता कि मारा जाता है, सब ही मारे जाते हैं। जल के फेंक के समान देह में यह जीव आक्रमण करके सिद्ध होता है, तभी सानिध्य देव की सहवास में निर्भय कैसे रह सकता है। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, काट संतन की सेवा योग्य जग के सारे, तन मन धन सब कुछ योग्य जग के सारे। बोल वांके बिहारी लाल की। नमस्ते से एकत्र हुए हैं परिवार वालों, हुक्म होया कि आई हुई सारी सास संगत का धन्यवाद करना। किसी ने कहा कि तेज रफ्तार जिंदगी का ये आलम है कि सुबह के दम शाम को प्राणी हो जाते हैं। हर शख्स यहां पर सूली पे टंगा है, हैरानगी की बात है, ईसा कोई नहीं। इन्हें रजेवे भरे समय के समा कट के खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो है सब चल सी सब को आई वाली इस गुरुदेव के नाल माता जी जो अपनी सासां दी पूंजी लैके इस दुनिया से आए, वो अपनी सासां दी पूंजी पूरे करते हुए इस दुनिया में सदा लिखा लिखा कह के चले गए। माता जी जीवन कुछ लफ्जा की मुहताज नहीं है, कुछ लफ्जा बयान किया जा सके। मेरे तो पहला बाबू जी ने सारा कुछ माता जी बारे इस परिवार बारे पूरे विस्तार नाल दसिया। जो भी रिश्तेदार आण गुआंढ सज्जन मित्र उत्थे फिर भी इन्हां दी पढ़ाई, इन्हां दी लियाकत, इन्हां दा टैलेंट, इन्हां दा तजर्बा दीन दुखियां दी लोड़वंदां दी बांह फड़न वास्ते कितें ना कितें तैयार हो जांदा। बड़ियां झक्खड़ बड़े माड़े हालात इस पट्टी इलाके विच बने, पर मेहता साहब जिवें दस्सिया गया कि चंगे शहर विच भी जा सकते सी, चंडीगढ़ बैठ सकते सी, दिल्ली जा सकते सी, पर जिथे राजनीतिक तौर पर लोगों को उलझाने वास्ते लोगों दी जमीन जायदाद तो लोगों के होर झगड़े खड़े किए जाते हैं, उत्थे जदों किसी की कोई बाह नहीं फड़ता, जदों सारे लोग पिछे भज जाते हैं, उदों फिर गुण सन कोई इन्हां नूं दिल्ली जां हाईकोर्ट जां दी पछत चरा। मैं दूरों नेड़े वाले रिश्तेदारां दे ध्यान च जा उन्होंने जाना चाहना कि खेम टन बार्डर के उस पिंड चो पैदा हो गए इतों तक पहुंचे कि जे कि संतारी की घनौनी वारदात ना वापरी होंगी तो अच्छ असी लाहौर के जो फील होंगे उदो अं दिल्ली के फील। संताली की मार झलन तो बाद इस परिवार ने जितों तक कपड़े लिया कि एक साडा परिवार आ, सानू इन्हें बहुत माण है। इस तरह च मैं तुम दसा परिवार सारे रहा सारे नामवर व्यक्ति इतने हाजिर ने। यो ही इस परिवार की सब तो वही खासियत आ कि इन्हें सदा ही लोगों के अपनी हाजिरी भरी आ, लोगों की सेवा की आ। माता जी के दसे हुए मार्ग से चले, माता जी की प्रेरणा सदका साढ़े वे मेहता जी सुतंत्र कुमार जी मेहता जी उन्होंने पुत्र पढ़ के अगर इतने पट्टी शहर में आए एक नामवर वकील के तौर के उत्ते लोगों के जाने जाते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I'm
Amen.
सदा करो कल्याण सिया वर राम
करारी दरो सुदशरथ धर बिहारी दीन दयाल ब्रज संभारी हरो नाथ मम संकट भारी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना है जगत भजन हरि सपना। बोल नारायण भगवान की जय। बोल अब कोई ऐसे सनातन मोक्ष धर्म का कोई ऐसा साधन कहिए हे सनातन वत्सल हे देव हे भगवान सब कर्म से मले इस संसार रही और संसार में अनेक प्रकार से शरीरों में अंत जीव पैदा होते हैं और मरते हैं। इनका कोई भी अंत नहीं है कि नहीं होते हैं। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु अब मैं उसे कहता हूँ सुनो ध्यान पूर्वक सुनो। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से आवागमन से छूट जाता है। मतलब मनुष्य शरीर को पाकर जो आत्मा को नहीं जानता है उसे बढ़कर और कोई पापी नहीं होता है। कि जो मनुष्य इस उत्तम नरदेह और इंद्रियां की सुंदरता को पा करके अपनी आत्मा का हित नहीं जानता है वह ब्रह्म घातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता है। इसलिए देव धन की रक्षा करके पुण्य कर्मों की साधना करें कि सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। अपने रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याणों को देखेगा अनेक कर्मों को देखेगा। गांव खेत धन पुत्र स्त्री शुभ और अशुभ ये बार बार मिलते हैं परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। अर्थात वृक्ष आदि को के बाद कीट पक्षी कभी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते हैं। रक्षा किए हुए शरीर से धर्म होता है धर्म से ज्ञान होता है। आत्मा को बुरे कर्मों में नहीं बचाते तो दोबारा और कौन आत्मा हित करने वाला होता है। जो इस लोक में नरक धाम रोग के चिकित्सा नहीं और टूटे हुए घड़े के जल के समान रोग आक्रमण के समान प्रहार करते हैं। इसलिए कल्याण कार्य का अभ्यास करना आए तथा तब तक की क्रिया में बैठकर नहीं जाए जब तक यह शरीर सावधान रहे तब तक ही तत्वों का अभ्यास कर देना चाहिए क्योंकि घर के पुण्य में आग लगने से दुर्बुद्धि वाला अनेक संसार समय नहीं जा पड़ता। एक ही बात लोग होके मदरा को बेगर कभी नहीं करता है। धन संपत्तियां पास में बीत जाता है शेष में भी बड़ा भाग बाल अवस्था बुढ़ापा रोग दुखों से चला जाता है। हाँ शेष आयु की निश्चय ही बीत जाती है।
मोक्ष आदि काम प्रारंभ करने से उद्योग रहित रहने वाला योग्यकारियों में सुनने वाला अर्थात भगवान का चिंतन नहीं करने वाला और भय का स्थान जो संसार में है उसमें विश्वास करने वाला जानता है कि कौन मनुष्य नहीं जानता कि मारा जाता है, सब ही मारे जाते हैं, जल के फेंक के समान देह में यह जीव आक्रमण करके सिद्ध होता है, तभी सानिध्य देह की सहवास में निर्भय कैसे रह सकता है। जो मनुष्य आत्म ज्ञान को नहीं जानता वह वैरी रूप संसारिक विषयों को ही समझता है, अन्य कोई भी सुखी नहीं है। सब दुखों को पैदा करने वाला और युवतियों का स्थान तथा पात्रों का व्यक्त इस संसार को जीवन छोड़ देना चाहिए। जैसे मांस का लोभी मांस में दिखने की क्यों नहीं देखता, वैसे ही सुख का लोभी जो अपने भले बुरे को नहीं जानते हैं और हमेशा सबके रास्ते में चलते हैं। सोना महसूस करना और खाना ये सब प्राणियों के और जो ज्ञान से हीन है वह छोड़ सकते हैं। मंगलाय तनोहरे माता की दिन पूरी हुई है इनाम माता क्योंकि जो ये गायत्री मंत्र है ये मरने के बाद आत्मा को शांति देता है, इस करके जो है तीन बार गायत्री मंत्र का जाप करना है और फिर आपके हरि ओम भूर्भुव स्व धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जिनानाथ हरे भाई दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे काश बढ़ाओ
गुरु संतन की सेवा लोग जय जग दे सारे तन मन धन सब कुछ है समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित भरे स्वामी जय जिनानाथ हरे भक्त जनों की संकट दास हरिओम जय जगदीश हरे बोल वांके बिहारी लाल की जय दरबार रसम पगड़ी करानी रसम पगड़ी मास के इतने एकत्र हुए हैं परिवार वालों हुक्म होया है कि आई हुई सारी सात संगत का धन्यवाद करना है किसी ने कहा कि तेज रफ्तार जिंदगी का ये आलम है कि सुबह के दम शाम को प्राण ही हो जाते हैं हर शख्स यहां पर सूली पे टंगा है हैरानगी की बात है ईसा कोई नहीं इन्ने रजेवे भरे समय के समा कट के इस परिवार के नाल दुख मनाने वास्ते एकत्र होए हो सारे परिवार वालों आप जी का कोटन कोट धन्यवाद किया जाता है ये समा वो समा हुंदा है जदों असी किसी भी जिंदगी किसी भी व्यक्ति की जिंदगी तो बहुत सारिया गल्लां असी सीख सकते हैं जो उसने इस समाज के विचार का योगदान पाया होंगे वो वास्ते असी बैठ के विचार वटांदरा कर सकते हैं पांच या सत्त मिनट का समा असी लवेंगे इस काम वास्ते विचार वास्ते माता जी जो कि काफ़ी लंबा समा बीमार रहे ने इस परिवार वालों एस के मेहता साहब वालों जगदीप मेहता वालों उन्होंने वाइफ वालों समुचे परिवार वालों जो उन्होंने सेवा की गई है वो उदाहरण कितने नहीं मिलती कि सालापति परिवार वालों इन्नी शिद्दत के नाल माँ प्यो की सेवा करनी ये वाकया ही उदाहरण है कि सानू किसी तीर्थ स्थान पर जाने की लोड़ नहीं पैंदी जेकर असी घरे माँ प्यो की सेवा कर लीए औरत का जो रिश्ता होंगे वो सानू समाज के दिखाई या उभर के सामने नहीं आता पर उसके रिश्ते का असी जो सब्जी के नमक ना पाइए तो सब्जी का स्वाद किस तरीके होंगे नमक सानू दिखाई नहीं दिता पर उस तो बिना समाज के जीना भी संभव नहीं औरत जो है जिस तरीके की समाज के सृजना करती है जेकर असी मेहता साहब की गल करिए असी शायद इसका तो एहसास भी नहीं इस इलाके के लोग कर सकते कि 1970 के पंजाब यूनिवर्सिटी तो 1965 के LLB करनी तो ये जो चाहते तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जाके आपकी प्रैक्टिस कर सकते सी पर इन्होंने आपके इलाके की सेवा करनी उस पहल दी ते आज इस समय जो इकट्ठ होया उस विच जो राजनीतिक हलके आए है जो समाजिक हलके है जो वक्त वक्त फील्ड के विचों लोग इन्हों के नाल आए है वो इस गल प्रत्यक्ष सानू उदाहरण दिसदी है कि इन्होंने समाज के विच बहुत वड्डी सेवा की है प्रोफेसर मोहन सिंह ने लिखा है मां वर्गा घनछावां बूटा किधरे नजर ना आवे इस तो लैके छाप धारी रब ने सुरग बनाए कुल दुनिया के बूटे ऐसे जड़ सुकया मरझाए पर बूटा ऐसा विस्सा तिठा फल सुकया मरझाए जिहड़ी माता हुंदी है उहदा इस दुनिया के कोई मुल जिहड़ा है वह नहीं देता जा सकता किसी ने कहा कि हुसन वफा के झूठे लारे होंगे ने फुल कई पत्थरों तो भारी होंगे ने उस पानी में दिल होंगे ने मावा के जो कुत्ता के सिर तो वारे होंगे ने कुत्त
ਜਿੰਨੀ ਫਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਸਕੇ। ਪਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬਮਿੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਸ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਈ, ਆਪਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਹਿਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜਪੁਰ। ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਧਵਨ, ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਧਵਨ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ MA MED ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਸ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਊਸ਼ਾ ਭੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬਾਬਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਧਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੈਪਟੀ DA BA ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਛੱਕ ਜਾਣ। ਕਿਸ਼ਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ
जो SGPC के मैंबर ने जिड़े कि किसी भी जात पात शरण के मैदाज ने उन्होंने मैं बेनती करूँगा कि वो शरदा से सुमन भेट करने वास्ते साढ़े को खुशवंत खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो है सो चल सी सब तो आई वाली इस गुरुद्वारे के नाल माता जी जो अपनी सांसा की पूंजी लैके इस दुनिया से आए वो अपनी सांसा की पूंजी पूरे करते हुए इस दुनिया सदा ही अलग कह के चले गए। माता जी जीवन कोई लफ्जों की मुहताज नहीं है उस लफ्जों में बयान किया जा सके। मेरे तो पहला बाबू जी ने सारा कुछ माता जी बारे इस परिवार बारे पूरे विस्तार में दसिया। जो भी रिश्तेदार आंढ़ गुआंढ़ सज्जन मित्र जो भी माता जी मिले उन्होंने सुभाव की तो जानू हैं तो मैं भी सुभाव प्राप्त हो गया। मैं बचपन तो ही माता जी के दर्शन किए उन्होंने बोल रहे क्योंकि बिल्कुल गुआंढ होने करके जो आके गुआंढ आए उन्होंने अभी बिल्कुल छोटी उम्र से तो माता जी को लंघते आते जाते मिलना उन्होंने को आशीर्वाद लेना अज असी इस मुकाम से जो पहुँचे इन्होंने बजुर्गों के आशीर्वाद उन्होंने पहुँचे हाँ। मेहता साहब साढ़े अंकल जी छोटा जी जगदीप मेहता जिन्होंने एडवोकेट होने के नाते लार बहुत अपना नाम ना कटिया रहे पहला इस गल मुहताज नहीं कुछ दसया जाए जो उन्होंने इस इलाके की सेवा कर रहे हैं। जिस तरह बहुत दसा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की और प्रैक्टिस कर सकते सी पर उन्होंने अपने इलाके पहला चुनिया तो अपने इलाके की सेवा की। मैं तो परिवार नाल हमदर्दी करने वास्ते आए गुरु नेड़े हो वे छोटे वीर मेरिया भैन माता मैं जो स्टेज सकत्र साहब दी गल्लां सुन रहा सी तो मैनू बड़ा फखर हो रहा सी कि साडे इस पट्टी के इलाके विच कोई ऐसा परिवार है जिहड़ा इस इलाके दे विच जिथे सारिया घाटा नजर आउंदियां हैं उत्थे फिर भी इन्हां दी पढ़ाई इन्हां दी लियाकत इन्हां दा टैलेंट इन्हां दा तजर्बा दीन दुखियां दी लोड़वंदा दी बाह फड़न वास्ते कितें ना कितें तैयार हो जांदा है। बड़िया झखड़ बड़े माड़े हालात इस पट्टी इलाके विच बने पर मेहता साहब जिवें दस्सिया गया कि चंगे शहर विच भी जा सकते सी चंडीगढ़ बैठ सकते सी दिल्ली जा सकते सी पर जिथे राजनीतिक तौर पर लोगों को उलझाउण वास्ते लोगों दीआं जमीनां जायदादां तो लोगों के होर झगड़े खड़े किए जाते हैं उत्थे जदों किसी की कोई बाह नहीं फड़दा जदों सारे लोग पिछे भज जाते हैं उदों फिर पट्टी दीआं कचहरियां विच मेहता साहब बैठे होंदे ने सिविल दे बड़े मन्ने परमन्ने लायर ने उत्थे उन्हां लोगों की बाह फड़दे जिन्हां की कोई नहीं फड़दा। हुण सन कोई इन्हां नूं दिल्ली जां हाई कोर्ट जाण दी पट्टी चढ़ा दे सर मैं दूरों नेड़े वाले रिश्तेदारां दे ध्यान च जा उन्हां दे जाना चाहुंदा कि खेम टन बार्डर दे उस पिंड चों पैदा हो के इतों तक पहुंचे तो जे कि संताली की घनौनी वारदात ना वापरी होंगी तो अच्छ असी लाहौर के जो फील होंगे उदो अं दिल्ली के पुजे ये संताली की मार झलन तो बाद इस परिवार ने जितों तक अपने लिया कि एक सुहाड़ा परिवार है सानू इन्हों पर बहुत माण है जहाँ इस तरह जिस तरह च मैं तुम दसा परिवार सारे रिश्तेदार वास्ते जिस दिन जगदीप मेहता जी बन के आए तो मैं कहा कि बोर्ड के थले बोर्ड बहुत औखा अज इन्होंने बोर्ड के थले दोबारा एक बोर्ड फिर पैदा होया एक खुशी की बाकी माता जी का जाना जरा उन्ना ही कुछ कही इन्होंने उन्ना ही सानू महसूस होंगे जिस तरह का क्या भाटे साहब ने गुआंढ में सानू ही मिलता मौका मिलया है तो ये जरूर एक चंगा परिवार है जिन्हें इलाके की सेवा की है। बाकी मैं भी बार के इतिहास के उत्ते जोड़े दो शब्द कहे ने मैं दुख के श्री खुना फतेह बना हाँ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। सच्ची श्रद्धांजलि इन्हों के परिवार वालों इन्हों की गई सेवा इन्हों गई
ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇਹਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਡੀਸਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਲਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜੋ ਸਮਾਨ ਆ ਫੜੋ।